पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए अब तरसना होगा। भारत ने जो तैयारी की है उससे पाकिस्तान अब बेहद परेशान और प्यासा हो जाएगा और हथियार उठाने की तो भूल ही जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की, क्योंकि अब ठप्पा लग चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। पाकिस्तान ये भूल रहा है कि वो कितने बड़े मुल्क से टक्कर ले रहा है, पर ये भारत है अपना बदला लेना शानदार तरीके से जानता है। पाकिस्तान में पानी रोकने का रास्ता अब साफ हो गया है। उज परियोजना की संशोधित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को केंद्रीय सलाहकार समिति ने मंजूरी दे दी है। आइए आपको बताते हैं कि जितेंद्र सिंह ने क्या कहा। जल शक्ति केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय संयुक्त बैठक में जम्मू और कश्मीर के डेक ने जिला कठुआ में बहुप्रतीक्षित उच्च बहुउद्देशीय परियोजना पर काम शुरू करने की मंजूरी दी है। पूरा पानी पाकिस्तान में प्रवाहित किए बिना उपयोग किया जा सकता है, तो समझे आप, यानी पानी वहां भेजे बिना उपयोग किया जा सकता है भारत में, और इसको मंजूरी भी मिल गई है। आपको बता दें, इसे जम्मू कश्मीर का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। इसके जरिए इस इलाके में पानी के इस्तेमाल से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही पाकिस्तान का भी पानी रोका जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 9,167 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जबकि करीब 6 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। अब आपको यह भी बता दें कि भारत को क्या फायदा होगा इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद। सिंधु जल संधि के तहत भारत को मिलने वाले पानी का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा। फिलहाल ये सारा पानी पाकिस्तान की तरफ जाता है। उज नदी रावी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ये परियोजना उज नदी के 781 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण करेगी। परियोजना के निर्माण के बाद सिंधु जल संधि के अनुसार भारत को आवंटित पूर्वी नदियों के पानी का उपयोग उस प्रवाह के माध्यम से बढ़ाया जाएगा जो अभी बिना उपयोग के ही सीमा पार जाता है। आपको याद दिला दें कि नितिन गडकरी ने पानी रोकने के पहले ही संकेत दे दिए थे कि पिछले साल जब पुलवामा हमले के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पाकिस्तान का पानी रोके जाने के संकेत दिए थे, उस पर जरा नजर डालते हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि शाहपुर कांडी में रावी नदी पर बांध का निर्माण शुरू हो गया है। इसके अलावा उज प्रोजेक्ट में जम्मू कश्मीर के उपयोग के लिए हमारे हिस्से के पानी को जमा किया जाएगा और बचे हुए जल रवि बीएस लिंक से दूसरे राज्यों में प्रवाहित किया जाएगा। यानी जो कहा था उस पर मोहर लगा दी मोदी सरकार ने, और अब पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा। अब जरा यह आपको दिखा दे कि पाकिस्तान की जनता इस पर क्या बोल रही है, कैसे वो कांप रही है, कैसे अपने प्रधानमंत्री अपने देश के नुमाइंदों को समझा रही है कि कुछ तो सुधर जाओ वरना तरस जाएंगे पानी पीने से। शब्बीर सिद्दीकी कहते हैं, हम मोदी से अपील करते हैं ऐसा ना करें, हमारे वजीर आजम को कुछ नहीं पता, उनकी सजा हमारी गरीब आवाम को ना दें। रहेल भुट्टो कहते हैं, देख लो कहा था भारत से पंगा मत ले ओ, वरना वो कोई बड़ा एक्शन लेगा, हो गया ना ऐसा, अब क्या पानी भी पैदा करोगे। एहसान कहते हैं, साहब इमरान खान को हमारे पाकिस्तान का वजीर आजम बनाना सबसे बड़ी गलती रही, नया पाकिस्तान का वादा किया था सब पर पानी फेर दिया। नए पाकिस्तान के वादे का क्या हाल हो गया ये आपने देखा, और भारत की तैयारियों के आगे अब डर वहां की आवाम को भी है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दों की बात करते रहेंगे। नमस्कार।